नमस्कार, आप देख रहे हैं dilawarantalk.com। रजत के साथ मैं असम के बक्सा ज़िले में आया हूँ। बक्सा में हम लोग मानस नेशनल पार्क के ठीक बाहर हैं। लगभग यहाँ से 800 से 900 मीटर दूर नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पीछे फ़िलहाल जो जगह है, वहाँ पे आप जो पौधा देख रहे हैं वो है चाय का पौधा। ये वही चाय है जो आप रोज़ सुबह शाम पिया करते हैं। जब दोपहर में आलस आती है तो दोपहर में भी ये पत्ते से लेके आपके कप तक कैसे पहुंचता है, उसका काफ़ी सारा काम यहाँ फातिमाबाद टी एस्टेट में होता है। और वो काम कैसे होता है ये बताने के लिए हमारे साथ सोनू जी हैं। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको हमने आपकी शिफ्ट के बीच में डिस्टर्ब किया है। हम हमारे दोस्त ये समझना चाहते हैं कि चाय जो इस पौधे पर अभी लगी हुई है, वहाँ से लेकर के उनके कप में पहुँचती है, उसके बीच यहाँ कितना काम होता है? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें हम सब कुछ कवर करते हैं। पत्ता तोड़ने से लेकर के उसका वेदरिंग तक, ये जो हमारे पीछे जो ट्रफ है, यहाँ पे हम पत्ता तोड़ करके इसकी वेदरिंग करते हैं। इसमें मॉइस्चर हम घटाते हैं, जिसमें 20-30% हम मॉइस्चर हटाते हैं उसमें। अच्छा, ये जो टंकियाँ दिख रही हैं, इसमें यहाँ चाय क्यों रखी गई है? यहाँ चाय इसलिए रखी गई है ताकि हम इसका मॉइस्चर कम कर सकें। अच्छा, जो इसकी नमी है उसको हम घटा सकें, ताकि जिससे एक्यूरेट चाय हमें मिल पाए। अच्छा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मॉइस्चर के साथ चाय करेंगे तो वो उसमें जूस ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो शेप नहीं ले पाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये आज का पत्ता तोड़ा हुआ है, ग्रीन लीफ टूटी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी यहाँ वेदरिंग के लिए इसको हमने डाला है। उसके बाद यहाँ हम एयर हवा प्रोवाइड करेंगे नीचे स्ट्रफ के थ्रू, उससे क्या होगा कि वो मॉइस्चर, तो इसके नीचे से हवा कैसे चलती है सर? वो आपका आगे है वहाँ पे फैन लगे हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब ये अभी जो माल आया है इसमें कितना मॉइस्चर होगा परसेंटेज वाइज? 100% है। अच्छा, इसमें भी 100% है। इसमें फिर हम क्या कहते हैं, फैन चला करके हीट प्रोवाइड करके जैसे इसका मॉइस्चर घटा सकते हैं, उस हिसाब से वेदर के अकॉर्डिंग हम उसका मॉइस्चर घटाते हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा तब इसमें मॉइस्चर कितना बच जाएगा? 70% मॉइस्चर रहेगा, 72-75% मॉइस्चर रहेगा इसमें। मतलब 25% के तकरीबन आप करना होता है, क्योंकि अगर चाय में जूस नहीं रहेगा तो प्रॉपर हमें शेप नहीं मिलेगा, चाय का कलर नहीं आएगा, इन्फ्यूज़न नहीं आएगा, लीकर नहीं मिलेगा, जो मेनली जो कड़कपन के लिए चाय जाना जाता है वो आपको। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि चाय की भी अलग अलग किस्में होती हैं ना, तो ये किस किस्म का पत्ता है? सी टी सी है, ये नॉर्मल सी टी सी है। इसी पत्ते से क्या कहते हैं आपका ऑर्थोडॉक्स या सी टी सी ये बनाया जाता है। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स और सी टी सी क्या होता है सर? ऑर्थोडॉक्स और सी टी सी क्या, ऑर्थोडॉक्स एक तरीके का क्वालिटी है चाय का, जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक टी, ये ब्लैक टी हो जाता है मेनली। जो ग्रीन टी होता है वो अलग तरीके का, अलग प्रोसेसिंग है, उसके लिए अलग किया जाता है। ये तोड़ के आपकी आज की उपज? हाँ, ये हमारा तोड़ करके, ये जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं ये लेकर के आए हैं, उसके बाद यहाँ पे इनको ट्रक में भरा जाएगा, फिर ट्रक में भर के इनको मॉइस्चर लगाया जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े फैंस हैं। अच्छा, इस तरफ वो जब आएंगे रजत तो दिखेगा। अच्छा, ये फैंस चलने लगेंगे जब ये, हम इसको जब चलाएंगे उसके बाद ये मॉइस्चर देगा। ये जो मेनली, मैं उधर उस तरफ आ जाता हूँ तब बताइएगा। ये क्या है कि मेन हीटर है, हीटर वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से क्या होता है कि हीट इसके थ्रू दिया जाता है, गर्म हवा आएगी। हाँ, इससे गर्म हवा आएगी और ये फैन करे क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करके अंदर थ्रू करेगा। हाँ, अंदर थ्रू करेगा, फिर यहाँ पे मॉइस्चर इस तरीके से घटाया जाता है। फिर उसके बाद आपका 24 आवर्स के अंदर फिर इसको दोबारा मशीन में लेके जा करके वहाँ इसको घटा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही रहने वाली है, तो जितना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पत्तियाँ, कल यहाँ नहीं रहेंगी? कल यहाँ नहीं रहेंगी, ये मेनली क्या है कि कल से इसका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा, कटना चालू हो जाएगा, फिर इसका शॉर्टिंग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ। अच्छा, ये हीटर्स हैं आपके, ये हीटर में ईंधन क्या इस्तेमाल होता है सर? कोयला। आपने माइक में नहीं बोला। कोयला। अच्छा, और ये कोयला कहाँ से आता है? ये कोयला आपका जो डिपोज हैं वहाँ से हम लोग परचेज करके फिर उसको हम यूज़ करते हैं। ये हीटर। अच्छा, इसमें ये अभी बंद है फिलहाल? वैसे ये अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि अभी मौसम ऐसे ही गर्म है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर जैसे मौसम ठंडा रहता है या बारिश का टाइम होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, तब हम इसको जला करके फिर इसके थ्रू, इसमें फ़ैन लगे हुए हैं, वो उसके अंदर जो आप देख रहे हैं टनल्स बने हुए हैं, इसमें हीट जाता है और फिर वो फ़ैन होता है उसको एब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ डालता है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका पहले दिन का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद क्या होता है? उसके बाद फिर अंदर, जब सर आप यहाँ से पत्ते अंदर लेके जाते हैं उससे पहले कोई सावधानी भी होती है जो आप ध्यान में रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी, हमें ये मेन हमें यही देखना होता है कि पत्ता हमारा मॉइस्चर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, जो एक अच्छे चाय के लिए चाहिए होता है मॉइस्चराइजर, अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा हम उसको उस हिसाब से मॉइस्चर करके तब हम अंदर लेके जाते हैं। इसको गर्म हवा ही देते हैं या फिर कभी इसमें से गर्मी निकालनी? गर्मी भी निकालनी ही पड़ती, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पत्ता जल जाएगा, रेडिश हो जाएगा, वो फिर उसका चाय नहीं बनेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, इस ट्रब से हमें वापस अगर यहाँ हाथ डाल के देखते हैं इसमें, अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो फिर फैन को बाहर की तरफ उसका फ्लो। तो फिर यहाँ से चाय चुन के आप अंदर क्या करते हैं उसको ले जाकर? फिर यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं जो इनको काटती है। अच्छा, उसके बाद काटने के बाद इसमें शेप लाया जाता है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ।
ये मशीन है, इसको CTC कहते हैं। अच्छा। इसमें एक ऑपरेटर, एक ऊपर बैठा रहता है बंदा, उसमें क्या करेगा, ये जितना भी चाय है ये पत्ती उसके अंदर डालेगा, उसके बाद यहाँ पे इसकी कटिंग होगी। अच्छा। ये कटिंग होगी, अब देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये कटिंग होने के बाद मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए कि थोड़ा ये गीला होना चाहिए, गीला है, ये गीला होना ज़रूरी है तभी शेप आएगा। उसके बाद यहाँ रोलर लगे हुए हैं, ये कटिंग सिस्टम है, 3-4 के वे में हम लोग इसको काटते हैं। यहाँ रोलर लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये रोलर क्या करते हैं, अब यहाँ से कट के आया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इसको बारीक करेगा बिल्कुल, और थोड़ा हल्का काटेगा। उसके बाद ये हमारा चाय वहाँ के आने के बाद ये शेप में चाय हो जाएगा हमारा। वो फर्स्ट रोलर हो गया, सेकेंड रोलर में भी वही सेम प्रोसेस है जो पीछे था। उसके बाद कट के आपका ये होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मॉइस्चर थोड़ा जूस ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद ये थर्ड रोलर है, यहाँ कटिंग के बाद फिर ये यहाँ से जाएगा ड्रब में, यहाँ हमारा हो गया चाहिए। हम इसको ये भी देखते हैं कि चाय बिल्कुल जैसा सूजी होता है उस तरीके का थोड़ा थोड़ा ये होना चाहिए, ताकि जूस रहना चाहिए चाय में। उसके बाद ये यहाँ से आता है ट्रफ के अंदर, इसमें उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये इसके अंदर घूमता है। अच्छा। घूमने के कारण शेप मेन यहाँ पे आता है चाय का। अच्छा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए चाय का शेप आने लग गया, जो चाय पत्ती जैसी होती है वैसा वैसा शेप आने लग गया इसके अंदर। ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब इनको क्या होता है कि जब प्रॉपर सारा इधर का प्रोसेस हो जाता है तब शॉर्टिंग किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। शॉर्टिंग करने के बाद चेंज, मतलब हर वैरायटी में चेंज होता है। चाय के 7 वैरायटीज हैं, 7 वैरायटी, 7 डस्ट, PD, OF, BP, BOPSM, BPS और BPS, BOP। अच्छा। ये 7 है। तो ये 7ों की 7 आप क्या बनती है? ये चाय है, ये मतलब क्या होगा कि शेप वाइज इसको चुना जाता है अलग अलग। तो यहाँ से ये दाने जब आप निकालते हैं, निकालने के बाद, दाना निकालने के बाद ये फॉर्मेटिंग रूम है। अच्छा। यहाँ पे क्या होता है कि मौसम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग टेम्परेचर के वो लगा रखा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या टेम्परेचर है। अच्छा। उसके फॉरन हाइट्स और सेल्सियस में लेकर के उसके बाद हम एक टाइम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम में ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाता है पहली बार। अभी वहाँ आपने देखा ग्रीन था। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होगा और सेंट अलग आएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नई ताज़ी ये अभी जो काट के अभी किया जा रहा है उसको अभी लगाया जाएगा। अब ये हर स्टेप में आप देखिए कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए आप ब्राउन हो गया ये। उसके बाद एक टाइम हम सेट करते हैं, उस टाइम होने के बाद हम इसको उठा करके ड्रायर है हमारा वहाँ इसको सुखाया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे कॉपर कलर का हो गया ये। अभी थोड़ा नम है लेकिन नम तो रहेगा ही। हाँ, कॉपर कलर का हो गया। आप इसकी स्मेल देखिए, स्मेल थोड़ा चेंज हो गया होगा हट के। हाँ। उसके बाद जब यहाँ टाइम हो जाता है इसका एक्यूरेट उठाने के बाद, उसके बाद हमारा ड्रायर है, हम उस ड्रायर में डालते हैं चाय को, वहाँ पे उसको सुखाया जाता है। अच्छा। वो ही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो उस ड्रायर में हवा का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप हीट भी करते हैं? हीट का ही इस्तेमाल होता है मेन उसमें। वो टेम्परेचर सेट किया जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं सारा कुछ मैं वहाँ सिस्टम है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है जो छन्नी लगी है बड़ी सी? मेन ऑर्थोडॉक्स के लिए काम आता था, अभी ऑर्थोडॉक्स बना नहीं रहे हम। अच्छा। तो इसीलिए अभी इसका कोई वो नहीं है, अभी ऑर्थोडॉक्स के लिए मैंने इसको यूज़ किया। ऑर्थोडॉक्स क्या सबसे महंगी चाय को कहते हैं क्या? हाँ, उसको। अच्छा। महंगा कह सकते, वो एक तरीके का ये हो गया कि उसको काटा नहीं जाता है। अच्छा। उसको रोल किया जाता है। अच्छा। पत्ती को ही रोल किया जाता है। अच्छा। वो क्या कहते हैं 2.5 लीफ 1.5 लीफ का बनता है ऑर्थोडॉक्स। अच्छा। ये है हमारा ड्रायर। यहाँ पे अब धीरे धीरे मतलब अब चाय वाली महक आने लगी है। आने लगी है ना। हाँ, वहाँ जो आपने देखा था फॉर्मेट रूम में जब उसका कलर चेंज हुआ, एक टाइम हमने सेट किया, उसके बाद यहाँ पीछे ड्रायर माउथ है, पीछे बैक में जहाँ से हम लोग माल डालते हैं। उसके बाद उसके अंदर ये सिस्टम है जहाँ पे हम क्या कहते हैं टेम्परेचर, वेट, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, उस तरीके से हम लोग सेट करके हमें मैच करना होता है। उसके बाद देखिए जब हमने चाय डाला, उसके बाद यहाँ चाय आ गया, गर्म है, यहाँ सुखाया गया। हाँ, ये गर्म हो रहा है। अब यहाँ स्मेल भी लेंगे तो थोड़ा चाय जैसा स्मेल आ गया। हाँ, इसका ये पूरे रूम में महक है, महक है। उसके बाद जब हमारा ये सारा सिस्टम हो जाता है, जब चाय सूख जाता है, तो हमारा शॉर्टिंग रूम है, हम उस शॉर्टिंग रूम में चाय को डिवाइड करते हैं। जो मैंने आपको 7 ग्रेड बताया था उसमें होता है ये डिवाइड होगा। अच्छा। उसके बाद फिर पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होने के बाद वो डिस्पैच जहाँ जाना है शॉर्टिंग रूम भी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ वैसे ये मशीन जो ड्रायर है आपका,
ये एक दिन में मतलब कितना माल निकाल देते हैं? हम एक दिन में नहीं भी कुछ तो 4,000-5,000 केजी अच्छा चाय हम लोग बनाते हैं रोज़। और मतलब ये 24 घंटे में तीन शिफ्ट में। ये हमारा पैकेजिंग है, ये पैक हो रहा है। अच्छा। फिर यहाँ इसमें पैक हो, पहले इधर देखते हैं सॉर्टिंग का। अच्छा, सॉर्टिंग वाले में गए नहीं अभी? नहीं। ये क्या है सर, ये जो भूसा? ऑर्थोडॉक्स का ही है, ऑर्थोडॉक्स को बना के रखा गया, इसका सॉर्टिंग अभी हुआ नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स का पत्ता बड़ा होता है ना? होता है ना, रोल नहीं, इसमें सिर्फ रोल किया जाता है। अच्छा, ये देखिए भाई महंगी चाय, इसको रोल किया गया है, काटा नहीं गया है, इसको हमने रोल किया है। ये रोल करके फिर उसके बाद क्या कहते हैं फॉर्मेट, जो इधर प्रोसेस देखा हमने चाय का, वैसा ही प्रोसेस है। अच्छा, और इसके महंगे होने के पीछे कोई खास वजह? महंगा होने की वजह यह है कि इसमें जो इसका जो जूस होता है वो प्रॉपर इसमें रहता है। अच्छा। जिसके कारण इसमें आपका लीकर जो होगा वो बहुत बेहतरीन लीकर मिलेगा आपको, ज़्यादा टेस्ट आएगा। 5,000 रुपये केजी के हिसाब से चाय मिलेगी, इसमें से निकलेगी। हाँ, ये हमारा है शॉर्टर मशीन, यहाँ पे ग्रेड है। अब देखिए यहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं ये हमारा हो गया डस्ट। अच्छा। फर्स्ट ये है हमारा डस्ट, यह है पीडी। पीडी, पीडी का मतलब ऐसे एक्यूरेट मेरे को याद नहीं है। अच्छा। मैं बता दूंगा, ये हो गया आपका क्या कहते हैं ओएफ, बीपी, ये हमारा बीपी है। देखिए थोड़ा बड़ा होता जाएगा, थोड़ा स्टेज साइज, साइज बड़ा होता जा रहा है। ये हो गया आपका बीपी, इसको ही बीपी कह सकते हैं, लेकिन ये बीओपी एसएम में भी इंक्लूड हो जाता है, ये इससे बड़ा हो गया। अच्छा, ये सबसे बढ़िया है? हाँ, बढ़िया सब है, बस लीकर और इन्फ्यूज़न का फ़र्क होता है कि जो जितना बड़ा होगा वो जल्दी कलर पकड़ेगा। तो अब ये बीओपी, हाँ ये बीओपी एसएम हो गया और ये बीओपी हो गया। अब बीपीएस वहीं निकल जाता है, जो बड़ा बड़ा होता है, इससे बड़ा बड़ा साइज़ होता है वो वहीं निकल जाता है, वो इसमें नहीं आता। अच्छा, वो जो सबसे नीचे है? नहीं नहीं, वो वहाँ उधर मशीन लगी हुई है, वहाँ पर वो एक ग्रेड वहीं पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब ये छोटी छोटी छन्नियाँ हैं क्या? इन मशीनों के अंदर लगी हुई है छन्नियाँ, जहाँ से आपका क्या कहते हैं ये छन के अलग होता जाता है ग्रेड वाइज, नंबर लगी हुई है जालियों के, उन जालियों से गुजर करके यहाँ पे सॉर्ट। और वो जो रोलर्स लगे हैं उसमें? वो रोलर्स क्या है कि वो घुमाने के लिए, ये जो है ये मेनली क्या होता है, ये फाइबर लेता है। अच्छा। ये देखिए ये फाइबर लेता है। अच्छा। अब क्या होता है जो जैसे चाय है, चाय के साथ देखिए ये भी आ रहा है फाइबर्स, तो ये क्या करता है एक तरीके से मैग्नेट टाइप का है ये। अच्छा। ये क्या करता है इन फाइबरों को अलग कर लेता है, ये चीज़ है। यहाँ टोटल प्रोसेस ये है, उसके बाद ये पैकेजिंग का सिस्टम होता है जिसमें पैक वैक करके वेयर हाउस जो है वहाँ ये माल। अच्छा। तो ये मतलब यहाँ पे हम जो कस्टमर के पास चाय जाती है इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता इसको बनाने में, ना क्या कहते हैं अदरक का यूज़ किया जाता है, ना मुलेठी, कुछ भी ऐसा नहीं है, रियल चाय है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया जाता, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी की चाय यही है, प्योर हर्बल, जो भी आपका जो भी जितने भी जो भी ब्रांड है वो सारे ब्रांड ऐसे ही चाय बनाती है, यही प्रोसेस है चाय बनाने। तो ये इतने बड़े बैग में कहाँ जाती है? ये वेयर हाउस होता है। अच्छा। जो आपका टी बोर्ड होता है हम लोगों का, जो वेयर हाउस है जहाँ हम लोग का माल जाता है वहाँ पर ये जाता है, फिर वहाँ से वो ऑक्शन में जाके सेल होता है। तो जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों की चाय देखते हैं, दरअसल पहले वो इसी तरह की फैक्ट्री से निकलती है, वेयर हाउस में जाती है, टी बोर्ड उसको ऑक्शन करता है और उसके बाद कंपनीज खरीद के उसको मार्केट करती हैं। और भी कोई स्टेज बचा हुआ है सर? नहीं, ये आपका फाइनल है, इसके बाद डिस्पैच है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमसे बात करने के लिए, शिफ्ट के बीच में हमने इनको डिस्टर्ब किया। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको बताने का कि जिस असम टी के बारे में आप लोगों ने खूब सुना है, लोग आप अपने घर में पीते भी होंगे, वो बनती कैसे है। बक्सा से रजत के साथ मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए dilanantop.com।